हाय मैं आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में आज जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है क्योंकि काफी बजट सेगमेंट के ईयरबड्स मैंने रिव्यू करे और ये वाला जो ईयरबड है मुझे पर्सनली लगा कि इसको रिव्यू करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी का मैंने काफ़ी टाइम से रिव्यू नहीं किया क्रॉसबिट का ये अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ अरबन प्लस है कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमेशा थोड़े से महंगे लॉन्च करती है मतलब इनके बजट सेगमेंट में कोई ईयरबड्स मैंने अभी तक देखे नहीं कि दो हज़ार या हज़ार रुपये के आसपास कोई भी ईयरबड लॉन्च किया इन्होंने इनके जितने भी प्रोडक्ट्स देखे मैंने वो तीन साढ़े तीन हज़ार से ऊपर के रहते हैं और ये जो नया लॉन्च किया ये भी कुछ इसी कीमत का वैसे कंपनी इंडियन है और अग्रवाल ब्रदर्स हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया था बट इनके जितने ही प्रोडक्ट्स हैं थोड़े से महंगे लगे मुझे बट ये है कि क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं अब इस डिवाइस की मैं बात करूँ जो अभी लॉन्च हुआ है अर्बन प्लस ये कितना वर्थफुल हो कितना इंपैक्टफुल होगा हो, वो तो वीडियो में आगे मालूम पड़ेगा आपको बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा लो क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो कि सर वीडियो कब लाइव होगा वीडियो लाइव होने के बाद भी आप लोग सवाल करते रहते हो तो सब्सक्राइब बटन के पास में नोटिफिकेशन का बटन है उसको दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा फिलहाल तो अभी मैं इस डिवाइस के बारे में बात बॉक्सिंग तो को शुरू करता हूं चले गाइस तो ये ना हमारा बॉक्स बॉक्स हम लोग एक और लेते हैं तो टॉप पे आपको अर्बन प्लस देखने को मिलता जो है जो कि मॉडल है ऊपर यहाँ पे क्रॉसबिट का लोगो है और अगर आप टर्न ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप विजिट करके इनके और भी प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं साइड में यहाँ पे लिखा है डिजाइन टू डिलीवर यानी कि जो टैगलाइन उन्होंने यूज़ करी इस डिवाइस के साथ में पीछे हाईलाइट दिए हुए हैं डिवाइस से जैसे कि पावरफुल ट्वेंटी आवर्स का प्ले टाइम है यहाँ पर मेटल डिजाइन है आईपिक्स सिक्स रेटिंग देखने को मिलती है बॉक्स से प्राइसिंग दस हज़ार रुपये दिए गए बट औरजिनल कम है और वो आपको वीडियो में आगे मालूम पड़ जाएगी कंटेंट से अगर बात

साइज के हिसाब से लार्ज मीडियम स्मॉल जो भी आपको लग रहा है यहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं इवन यहां पे आपको केबल प्रोवाइड कर दी चार्जिंग के लिए और यहां पे आपको टाइप सी मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है यानी कि इस डिवाइस में आपको फास्ट चार्जिंग अवेलेबल की गई है अगर इसके अलावा हम लोग बात करें हमारे मेन डिवाइस के बारे में तो ये है हमारा मेन डिवाइस देखने में थोड़ा सा यूनिक है और मेटल कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है क्रॉसबिट का फ्रंट में आपको लोगो मिलेगा और बॉटम में यहां पे जो है आपको मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं इस डिवाइस में और ऊपर की तरफ जो है आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जहां से चार्ज होता है डिवाइस इसके अलावा अंदर की तरफ हमारे ईयरबड्स रखे हुए और ईयरबड्स को मैं निकाल कर आपको एक क्लोजर ओवर भी देता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ जो मैग्नेटिक पॉइंटर्स हैं जहाँ से चार्ज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलते हैं ईयरबड्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे एयरबल्स पे तो क्रॉस बिट लिखा हुआ है और यहाँ पे टच सेंसर है जो आपको वर्क करता है बेसिकली काफ़ी स्मूथ टच सेंसर मिल जाता है नीचे आपको बॉटम में यहाँ पे लाइट इंडिकेशन मिल जाता है जो कि और टर्न ऑन होने में आपको दिखेगा जब कनेक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपको दिखेंगी बाकी डिवाइस में आपको माइक्रोफोन दिख जाएंगे जहाँ से कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं वायरलेसली और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पॉइंटर्स मिलेंगे जहाँ से चार्ज कर सकते हैं डिटेल में बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में और उससे पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं चलेगा तो इसके टच फंक्शंस की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल टच पे जो है प्ले पॉज देखने को मिल जाता है तो कोई से भी ईयरबर्ड्स को आप सिंगल टच करेंगे आपको जो म्यूजिक है पर पॉज हो जाता है प्ले करना तो आप इसे सिंगल टच करें तो आपका जो म्यूजिक है प्ले हो जाता है ट्रैक्स वगैरह चेंज करना था आपको डबल टच करना होगा वन टू तो, तो आपका जो ट्रैक यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है राइट वाले से बैकवर्ड करना था आप लेफ्ट वाले का यूज करेंगे तो आपका जो ट्रैक है यहाँ पर बैकवर्ड हो जाता है अगर आपको यहाँ पे आपके असिस्टेंट को वेक करना तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पे टच करके होल्ड करना होगा तो आपको जो भी असिस्टेंट है पे वेक हो जाता है जैसे मेरे पास यहाँ पे गूगल है तो गूगल जो वो यहाँ पे वेक हो जाता है आपका सीरी है बिग्स भी है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेक हो जाता है इस डिवाइस में आप कॉल वगैरह भी पिक कर सकते हो तो अगर कॉल वगैरह आ रहे हैं तो सिंगल टच पे आपका कॉल पिक हो जाता है और सिंगल टच पे आपका कॉल जो यहाँ पे डिनाई हो जाता है और अगर आपको कॉल आ रहे हैं और कहीं बिजी है कॉल पिक नहीं करना तो सिर्फ टच है होल्ड करना तो आपका कॉल जो ऑटोमेटिकली यहां पर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कुछ ये फीचर्स आपको यहाँ पर टच से मिल जाते हैं बाकी डिटेल हम लोग वर्ल्डी में बात कर लेते हैं इस वो वर्ल्डी की बात कर लेते हैं इस ईयरबड्स के बारे में तो मैं आपको तीन पॉइंट्स में चीजें क्लियर कर देता हूँ पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बिल्ट और डिजाइन के बारे में बिल्ड की अगर बात करूं तो मेटल कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है पूरी बॉडी यहाँ पे मेटल की है जो कि मुझे काफ़ी सही लगी मतलब ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर आप इस डिवाइस को फेंक भी रहे हैं तो कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से अंदर भी बाहर भी सब आपको मेटल मिलता है और मैट फिनिश में है ये ग्लॉसी नहीं है बिल्कुल प्योर मैट फिनिश में है और बॉटम में जो आपका मैग्नेट्स मिल जाते हैं तो अगर आप इसको स्टिक करना चाहते हैं यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको मेटल वाली जगह पे चिपका सकते हैं और अगर बात करूं इस डिवाइस के डिजाइन की तो डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा आप सावधान रहेगा क्योंकि डिज़ाइन इसका कुछ अजीब सा है और लोग गलत समझ सकते हैं अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं घर भर में तो खैर इस डिवाइस से आप म्यूज़िकल नशे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे से ईयरबड्स इसके अंदर मिल जाते हैं जो आपके कान में भी काफ़ी इजीली फिट हो जाते हैं रनिंग कर रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है और इस ट्रूली इस डिवाइस के जो ईयरबड्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं मतलब छोटे बच्चे के कान में भी लगाओगे तो भी लग जाएंगे इतने छोटे इन्होंने यहाँ पे ईयरबड्स रखे हैं तो बिल्ट और डिज़ाइन के मामले में एक चीज़ कहूंगा बिल्ड काफ़ी सॉलिड लगी डिजाइन के लिए थोड़ा सा आप साधन रह सकते हैं खैर अगर बात करूँ मैं की साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच आपको मिल जाती है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको क्लैरिटी बहुत पसंद है यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी गज़ब की ट्रेबल से अगर मैं बात करूँ हाई लोज मिट्स काफ़ी प्रॉपली मेनटेन है और जो बैकग्राउंड में डिटेलिंग्स होती है जैसे मूवी वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और बैकग्राउंड की डिटेलिंग काफ़ी शार्पली आपको सुनाई देती है तो नो डाउट साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है बेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ तो थोड़ा सा बेस आपको मोर देन एवरेज मिल जाता है यहाँ पे जिनको बहुत ज़्यादा हेवी बेस पसंद है उनको थोड़ा सा लगेगा कि बेस कम है बाकी नो डाउट बेस भी आपको अच्छा मिल जाता है और लाउडनेस भी काफ़ी ऑप्टीमाइज अगर आप हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम पे भी सुन रहे हैं तो आपको ऐसा यहाँ पे डिसअॉइंटमेंट नहीं होगा डिस्ट्रॉशन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा तो नो डाउट साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है अब बात करूँ इसकी ऐसे पॉइंट की जो काफी इंपॉर्टेंट होता है यानी कि कॉल क्वालिटी कॉल क्वालिटी में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इससे यानी कि इसके माइक्रोफोन तो इतने टॉप नॉच नहीं है मतलब बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे मैंने काफी मतलब आउटडोर में इसको टेस्ट करके देखा इससे सस्ते वाले जो डिवाइस है उनमें आपको माइक्रोफोन काफी अच्छा मिल जाता है मैंने लास्ट यानी कि एक नेकब रिव्यू किया था उसके माइक्रोफोन काफी सही थे और काफी सस्ता था उससे अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो उसके लिंक मैं ऊपर एड करूंगा इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी आप, आप सुनोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से जो है इसकी परफॉर्मेंस मिलती है आप चेकआउट करो उस टेस्ट को गाइस जब आवाज़ सुन रहे हैं वो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है ताकि कोई अंदाजा लग सके किस तरह की आवाज को जाएगी जब उससे फोन वगैरह पे बात कर रहे हो गेमिंग के अंदर बातचीत चल रही हो तो कुछ की ऑडियो क्वालिटी सुनाई देती है अब अगर बात करूं इस डिवाइस से गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए मैं कह सकता हूं कि आप इसको यूज कर सकते हैं गेमिंग वगैरह टाइम पे क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ज्यादा शार्प है और वही चीज मेरा से काफी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एनिमीज राइट से आ रहे हैं लेफ्ट से सा आ सारे तो वो चीज आपको यहाँ पर इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगी और इसमें लेटेंसी लैग एज सच आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत कंपेटेबिलिटी इशूज हो सकते हैं अगर डिवाइस के साथ आपके फोन के साथ अगर कंपेटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा इशू आ सकता है बाकी सच मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई है मैंने वैसे आप लोगों के लेटेंसी लेटेस्ट किया है तो उस पर पर नजर जरूर डाल लें अब बात करते हैं इस डिवाइस के फाइनल पॉइंट यानी कि प्राइसिंग की प्राइजिंग तो इस डिवाइस की प्राइसिंग जो रखी है मात्र साढ़े चार हज़ार रुपये रखिए मात्र साढ़े चार हज़ार रुपये रखिए यानी कि चार हज़ार रुपये के आसपास भी मिल सकता है आपको ये डिवाइस अगर इस प्राइस पॉइंट पर आप इस डिवाइस स्पेसिफिकेशन पर नजर डालेंगे तो इस डिवाइस में आपको ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंट जीरो देखने को मिल जाता है जो आपको कहीं ना कहीं से सेमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है और इस डिवाइस में आपको दस मीटर की रेंज मिल जाती है जो इजिली आप दस मीटर की रेंज में इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं अगर बात करें इस डिवाइस में आई पैक्स रेटिंग की तो यहाँ पर आईपेक्स सिक्स आपको देखने को मिलता है तो इस डिवाइस को जो है वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट प्रूफ बनाता है जो कि मेरा से काफी अच्छी बात है अगर आप रनिंग कर रहे हैं जिमिंग कर रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको स्वेट से इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप इसको यूज कर पाएंगे अगर बात करें इस डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे ट्वेंटी आवर्स का आपको जो है प्लेबैक देखने को मिलता है विथ चार्जिंग केस अगर आप सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मान के चलें कि पाँच घंटे आपके ये बच चल जाते हैं एक सिंगल चार्ज में बट ऑन एंड एवरेज अगर आप मेरी मान के चलें तो चार से साढ़े चार घंटे तक चलते हैं क्योंकि होता है ये कि हम लोग तो डिफरेंट वॉल्यूम लेवल पर यूज़ करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है तो थोड़ा सा तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा इस डिवाइस में वैसे फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है और टाइप सी पोर्ट के साथ ये आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है तेज़ी से ये डिवाइस को चार्ज कर देता है अगर वैसे डिवाइस में ड्राइवर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नाइन एम के आपको ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और साउंड क्वालिटी में उसका मैंने इंपैक्ट देखा यहां पे काफी अच्छी क्लैरिटी ऑफ साउंड आपको हमें मिलती है तो नो डाउट ड्राइवर्स काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं यहां पे इस डिवाइस में डिजिटल नॉइस कैंसलेशन की बात करी है और मैं अगर कहूँ तो उतना ज़्यादा मुझे इंपैक्टफुल लगा नहीं बट ये है कि सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो वहाँ आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा बाकी एस सच इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे इम्पैक्टफुल लगा नहीं इसका डिजिटल नॉइस कैंसिलेशन अगर इसके अलावा कुछ हाइलाइट्स की बात करूँ तो डिवाइस में है तो यहाँ पर टच सेंसर आपको देखने को मिलेगा या बज में और टच सेंसर का रिस्पॉस ट्रूली बोलूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा बहुत रिस्पॉन्सिव है और फेदर टच कह सकते हैं आप ज़्यादा टच करेंगे आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है तो डिवाइस को अगर मैं ओवरऑल वे में सवराइज करूँ तो डिवाइस जो है काफ़ी अच्छा है सब चीज़ों में मुझे लगा कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस काफी सही है डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन की बात करूँ या बिल्ड की बात करूँ तो काफी अच्छा आपको मिलता है बट एक चीज जो यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंट कर जाती है वो है कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी इंप्रूव हो जाती है तो आई कैन से कि मैं साढ़े चार तक पे कर सकता हूँ इस डिवाइस बट वो चीज़ मेरे लिए कहने का कंसर्न है कि मुझे कॉल क्वालिटी अच्छी चाहिए ईयरबज में वो थोड़ा यहाँ पर डिसअपॉइंट करती है बाकी अगर आप एक यूनिक डिजाइन चाह रहे हैं और थोड़ा सा अगर आप डिफेंट करना चाह रहे हैं ईयरबड्स के साथ तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ज़्यादा आप से अगर आप को वीडियो इनफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों का भी शेयर कर देना ताकि वो अगर कुछ महंगे वाले ईयरबड्स देख रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफी इफॉर्मेटिव हो सकता है तो फिलहाल के लिए मैं साउनलोड करूंगा जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।